आज मैं वीडियो पुनः वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई क्लास 12th में BA CB बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस पोएम से भी रहते हैं, और उस पोएम में आज मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की चर्चा करूँगा, और इसमें टोटल क्वेश्चंस MCQ बेस्ड ऑन होंगे। और आज मैं बात करूंगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि ये कविता है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित है, और मैंने अपने चैनल पर पोएम भी पढ़ा के डाला है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, लाइन टू लाइन। उसे भी आप अवश्य ही देखें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं बात करूं कि वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में, कि वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 31 मई 1819 को हुआ था। डेथ की बात करूं तो इनका डेट 26 मार्च 1892 को हो गया था। इनके पापा का नाम वाल्टर व्हिटमैन, कि सीनियर इंग्लिश मैन के रूप में थे। इनके माँ का नाम लुइजा वैन वेल्सर व्हिटमैन, जो कि डच थी। फुल नेम इनका वाल्टर व्हिटमैन था, किनका? वाल्ट व्हिटमैन का फुल नेम वाल्टर व्हिटमैन था। इनका निक नेम है वाल्ट व्हिटमैन, और ये अमेरिकन पोएट। और साथ साथ में देखा जाए तो अपने माता पिता के 9 संतान में ये दूसरे नंबर के संतान थे। और ये पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट में भी अपने जीवन को कुछ दिनों के लिए गुजारा। इनका लव अफेयर एंड गिल्स रिस्ट के साथ चला, लेकिन इन्होंने शादी नहीं करा। ये स्पाउस के रूप में कभी भी आप पढ़ाई करेंगे तो अभी आपको दिखाई देगा वहाँ रिमेंड बैचलर लिखा रहता है, क्लियर, कि ये बैचलर की बैचलर ही रह गए। और इनकी जो इम्पोर्टेंट जो वर्क्स है, जिसमें लीव्स ऑफ ग्रास का स्थान आता है, ड्रम टैप्स का स्थान आता है। और अब मैं जरा आपके क्वेश्चन की ओर चलूँ, और इनके बारे में आप ये भी जानते हैं कि वॉल्ट व्हिटमैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। ये फ्री वर्स के फादर भी माने जाते हैं, और इन्हें ही इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। इन्हें द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। किनको? तो वॉल्ट व्हिटमैन को, क्लियर। अब मैं जरा बात करूं, अब क्वेश्चन पे आए। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है ये किनके द्वारा रचित है? तो ये वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित है। तभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऑप्शन के तौर पे पहले में दिया है वॉल्ट व्हिटमैन, तो इसमें ही आप इसे टिक लगाएं, वॉल्ट व्हिटमैन में ही, क्योंकि आंसर के तौर पे मैंने यहाँ टिक लगा दिया है, इसलिए इसे वॉल्ट व्हिटमैन ही माने। अब हम जरा चलूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊँ, तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई। कहते क्या कि मैं खुद ही क्या करता हूँ, रिज्वाइस करता हूँ और खुद ही गाना गाता हूँ। या फिर ये जो लाइन है ये किनके द्वारा रचित है, ये किनके द्वारा लिखित है? तो वॉल्ट व्हिटमैन है, या TS एलियट है, या DS लॉरेंस है, या नॉन ऑफ दिस है? तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित है, इसलिए सही आंसर के तौर पे आप वॉल्ट व्हिटमैन ही लगाएं। अब मैं जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कौन कहते हैं कि जितनी भी एटम किसके ब्लड के, वो सब सेम हैं जितनी भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं सब में? आखिर ये लाइन किसने कहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन इन्होंने अपने पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये वॉल्ट व्हिटमैन है, क्लियर। तो इसमें आंसर के तौर पे देखिए तो यहाँ है आपके ऑप्शन के तौर पे रूपर्ट ब्रूक, वॉल्ट व्हिटमैन, TS एलियट या नॉन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे? वॉल्ट व्हिटमैन, क्लियर। अब कहता है क्या कि वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। अभी आपको पता होना चाहिए कि वॉल्ट व्हिटमैन की बातें अगर आती है यहाँ, तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसके मुताबिक
कितने साल के हैं वॉल्ट विटमैन? इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखा जाए तो क्लियर, तो इस क्वेश्चन के तौर पे अगर देखा जाए तो ये 37 इयर्स ओल्ड। क्लियर द डैश, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आऊँ तो आपको कहता है द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग निवर्स। अभी आपको पता होना चाहिए इसके लिए हम कौन सा लगाएंगे, तो इसके लाइन के मुताबिक हमें लगाना होगा आखिर ये मैसेंजर्स, द मैसेंजर्स ऑफ डेथ आर द विस्परिंग निवर्स, इस रूप में आप इसको भरें। क्लियर, इस रूप में जब आप अगर देखेंगे तो यहाँ लाइन आपको मिलेगा, इसलिए इसमें आप निवर्स भरें, इन एम ई एस एस सी एन जी ई आर एस के पहले, निवर्स के पहले क्या भरें, मैसेंजर्स भरें आप। वॉल्ट विटमैन की अगर मैं बात करूं तो वॉल्ट विटमैन बिलोंग टू डैश, अभी जस्ट ही मैंने बताया कि अमेरिकन पोएट थे, इसलिए अमेरिकन पोएट के लिए आप यहाँ द यूएसए वर्ड आप लगाएं। क्लियर, क्या लगाएंगे, तो ये द यूएसए लगाएं आप। द लाइन होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, अब कहता है कि ये जो लाइन है ये लाइन किस पोएम से लिया गया है। क्लियर, द होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, अब ये आशा करना है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में डेथ तक सीज नहीं हो सकता, नहीं, आखिर ये लाइन किससे लिया गया है, तो ये लाइन सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से लिया गया है, क्योंकि रचित किसके द्वारा है, तो ये रचित वॉल्ट विटमैन के द्वारा रचित है। तो इस रूप में अभी आपने क्या देखा, इसका सही आंसर क्या लगेगा, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, नहीं कि द सोल्जर फायर हिम नन ऑफ दिस, इसलिए सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ को ही आप सही माने। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊँ तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है द लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन, ये लीव्स ऑफ ग्रास ये कब पब्लिश हुआ, 1892 में या 1855 में या 1860 में या 1872 में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1855 में ये पब्लिश हुआ था। माई चैंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉयल दिस एयर इज फ्रॉम, अभी वॉल्ट विटमैन साहब कहते हैं कि मेरा टंग, आखिर मैंने यहाँ टंग का मतलब किससे है, तो बोली सीखने से है, मेरा टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरी ब्लड का जितने भी सारे एटम हैं वो इसी सॉयल और इसी हवा से बने हैं। आखिर ये जो लाइन है ये लाइन किससे लिया गया है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से या स्नेक से या फायर हिम या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। वॉल्ट विटमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इन, अभी आपको पता होगा कि वॉल्ट विटमैन एक वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किए, किसमें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर या नन ऑफ दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये काम सिविल वॉर में इन्होंने करा था। आई हार्वर्ड, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ, अब कहता है क्या कि आई हार्वर्ड फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड इज फ्रॉम, अब यहाँ हार्वर्ड का मतलब किससे है, तो ये इसका मतलब किससे है, तो हार्वर्ड का मतलब यहाँ आप लगाएंगे बिलीव से। क्लियर, या कीप फीलिंग्स और थॉट्स इन माइंड, कहते हैं क्या, और यहाँ हैजार्ड एक वर्ड है, हैजार्ड वर्ड का मतलब यहाँ किससे है, डेंजर से है, पेरिल से है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं विश्वास किसके लिए, अच्छा और बुरा ये करता तो हूँ, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, और इतना ही नहीं मैं प्रत्येक बातें को जो मेरा प्रत्येक दुख है उसको भी बोलने का परमिट मैं करता हूँ। क्लियर, तो ये आखिर जो लाइन है ये किससे लिया गया है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से या ऑचो आटम से या द सोल्जर से या एन एपिटाफ से, किससे लिया गया, तो ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अब मैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलूँ, जरा फिर 12 नंबर क्वेश्चन पे आऊँ
तो 12 नंबर क्वेश्चन फिर आपका कहता है कि वॉल्ट विटमैन वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। इसमें चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये चारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ये से ढूंढना है जिस प्रोफेशन से वॉल्ट विटमैन का कोई जुड़ाव नहीं था। ऐसे पोएट तो थे ही, एडिटर थे ही, कारपेंटर थे ही, लेकिन डॉक्टर नहीं थे। इसलिए डॉक्टर ही सही आंसर के रूप में आपको लिखना पड़ेगा और इसी में सही का टिक लगाएं। हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट। और इतना ही नहीं, इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्हें लोगों के कवि माने जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है। तो ये वॉल्ट विटमैन है, या डीएच लॉरेंस है, या टीएस एलियट, या नॉन ऑफ दिस, कौन है ये? तो ये वॉल्ट विटमैन है। इन्हें पीपल्स पोएट के रूप में भी जाना जाता है। तो आज अभी इस वीडियो में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम की कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन की चर्चा मैंने किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।